पर ऐसी तरह रखा गया, वो आप देख रहे हैं यहीं पर हुआ था। ये जो अभी देख रहे हैं गेट को, उसके पूरे चेहरे पर आ गया था और आधा इस पे गिर गया। नहीं फांसी मिलनी चाहिए, बट जिसने उसने लाया कहाँ से उसको भी सजा मिलनी चाहिए, एंड जिसने भी उसको इस चीज में मदद की हुई है उसको भी इक्वली सजा मिलनी चाहिए। वो बच्ची मर गई होती कम से कम ये अफसोस रहता कि वो इस एसिड अटैक से मर गई थी, लेकिन हर दिन आप वो घर के लोग मरेंगे, हर दिन आप वो बच्ची मरेगी, पल पल मरेगी। और ये कौन तफरी के लिए वो अपनी बच्चियों को छोड़ते हैं, जाओ आप कश्मीर जाओ, वो बिल्कुल सेफेस्ट प्लेस है। क्या हम दिखाएंगे उनको कल जब हम अपनी बेटियों के साथ ऐसा करेंगे? साथ हुआ कल और किसी के साथ होगा। अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो आगे जाके सब छोड़ देंगे कि इसको छोड़ा तो हमें क्या करेंगे। उस घर को, उस खानदान को हर दिन ये बच्ची जब सामने होगी तो क्या मंजर होगा आप बखूब समझ सकते हैं। इससे बेहतर है कि क्या वो बच्ची मर गई होती कम से कम ये अफसोस रहता कि वो इस एसिड अटैक से मर गई थी, लेकिन हर दिन आप वो घर के लोग मरेंगे, हर दिन आप वो बच्ची मरेगी, पल पल मरेगी। और ये कौम हर दिन मरेगा जब ये बच्ची हमारे सामने होगी। लिहाजा कल मगरिब की आजान से पहले 5:55 पर, जैसे रोजाना ये लड़की यहाँ से गुजर रही थी अपने काम से होकर या कुछ क्या कहाँ से कहाँ, रोजाना इसी गली से अपने घर जाती थी। तो कल जब वे 5:55 यहाँ से आ रहे थे तो वहाँ पर एसिड अटैक हो गया, वो आप देख रहे हैं यहीं पर हुआ था। ये जो अभी देख रहे हैं गेट पर, उसके पूरे चेहरे पर आ गया था और आधा इस पर गिर गया, वो आज भी इस पर निशान है। जब मैं वजू कर रहा था बाथरूम में, जब मैं बाहर से आवाज़ें आ गई, मैंने बोला बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे खेलते भी रहते हैं इधर। जब मैं बाहर आया तो वहाँ यहाँ पर 10-15 आदमी खड़े थे उस वक्त उसको लेने के लिए। मैंने बोला हुआ क्या है इसके सर, बोला इसमें एसिड अटैक हो चुका है। तो उसके बाद उसको ऑटो पे ले आया और घर ले गया, और घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में। असल में ये बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ा है कि उस वक्त मगरिब की नमाज के वक्त है ना, एक सर्दी भी है इधर, घर के अंदर रहते हैं सब लोग और खिड़की भी और पर्दे बंद रहते हैं, खाली आवाज सुनी लोगों ने। जब आवाज सुनी तो लोग जब बाहर हो गए तो उस वक्त वो इधर तड़प रही थी। की जरूरत है ड्रग्स के खिलाफ, मोरल एक्टिविटीज के खिलाफ। मैं आपकी चैनल की वसादत से अपने खतीब और इमामों से गुजारिश करना चाहूँगा, फलसफे इस्लाम दूर है, तवारीख इस्लाम दूर है, वक्त की आशक जरूरत है कि हम अपने बच्चों को आदाबी जिंदगी समझाए, आदाबी जिंदगी सिखाए, तालीमात मोहम्मदी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता कराए, अपने बच्चों को सिखाए कि कैसे उनकी जिंदगी को हम बेहतर बनाने के लिए आने वाले दिन को, आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने में अपने अकॉर्डिंग। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सहर है, और हम लोग आज यहाँ पे इसलिए क्योंकि कल हमारी एक बहन के ऊपर बटपुरा में एसिड फेंका गया था, तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आगे आए हैं। उस बहन की हम लोग एक टाइप की हम लोग वी वांट जस्टिस फॉर हर, क्योंकि आज ये वो लड़की है, कल हम हैं, कल आज यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ हैं, कल को इनमें से कोई भी हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस कल्प्रिट को फांसी की सजा दी जाए, बीच चौराहे पे उसको फांसी दी जाए। बस इसलिए And press the bell icon. Never miss an update.